press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लास्ट टाइम जब मैंने निफ्टी को रिव्यू किया था उस समय ये एक इन्वर्टेड हैमर वाला कैंडल बना हुआ था और मैंने आपसे उस समय कहा था कि यार देखिए यहाँ पे रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि इन्वर्टेड हैमर बना है, बट जो भी रिवर्सल आपको मिलेगा आप उसमें ज्यादा बुलिश ना हो जब तक कि प्राइस इसके ऊपर ना जाए। तो हमको अगले दिन रिवर्सल देखने को मिला। देखिए ग्रीन कैंडल हमने देखा, बहुत सारे लोग उत्साहित हो गए और उन्होंने पैसे लगा लिए एंड उसके बाद धीरे 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 प्राइस है नीचे की तरफ आ गया। देखो किताबी बातें अलग होती हैं, किताबों में जो ज्ञान दिया गया है वो बहुत अलग ज्ञान है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है वो किताबों से थोड़ा अलग है ना। तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग मेंटालिटी का होना बहुत जरूरी होता है, एक्सपीरियंस वहां पे प्ले होता है ना। अब जो हो गया उसको साइड करते हैं, अब ये देखते हैं कि भाई अब हमारे पास ना ये वाला कैंडल हमारे पास बना है, अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए आगे या तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, दो ही चीजें हो सकती है, या हो सकता है खड़ा हो जाएगा, है ना। जो भी कंडीशन हो वो होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से समझना जो बोल रहा हूं और कहीं मन करे तो लिख लेना, आने वाले समय में आपकी मदद ही करेगा ये चीज। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 25 दिसंबर रात हो चुकी है, यानी कि प्रैक्टिकली 26 दिसंबर हो चुका है। ये जो पीरियड है ना करीबन एक हफ्ते दो सेकेंड जैन तक, मतलब सेकेंड जनवरी तक, अभी से सेकेंड जनवरी तक ये जो पीरियड है इसमें सारे FIIs जितने भी है ना ये सारे के सारे छुट्टी पे रहते हैं, आप समझ रहे हो। US मार्केट जो सारे जो है ना यूरोपियन मार्केट मैक्सिमम बंद रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि आपको जो कुछ भी होगा, मान लो प्राइस ऊपर गया या प्राइस नीचे गया या प्राइस साइडवेज गया, ये जो कुछ भी मूवमेंट आ रहा है ये कुछ आपको कोई फायदा नहीं देने वाला है। आप अगर आप इसी के ऊपर बेस्ड अगर आप अपना कोई एनालिसिस करने वाले हो तो इट इज नॉट गोना गिव यू एनी गुड रिजल्ट। तो अपना दिमाग खपाना बंद कर सबसे पहली चीज। तो ये हफ्ता जो है ना ये जो हफ्ता भी जाएगा इसको आप समझो नो बॉल है, ये नो बॉल है, आप इसको ऐसे पकड़ के चलो, इससे क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबे समय में इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जो अभी होगा, ठीक है। लेकिन अब फिर भी हम इंसान है यार, हम सोचते हैं भैया फिर क्या हो सकता है, कुछ पता रहता तो थोड़ा हम कुछ कोशिश कर लेते हैं ना, एक थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती है। तो आइए देखते हैं पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। पर जो भी पॉसिबिलिटीज होगी जैसा मैंने आपको बताया आप उस पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, है ना। ये हफ्ता आपके मुगल है, जो भी हमको करना है वो ये हफ्ता खत्म होने के बाद जो अगला हफ्ता आएगा उस पर हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे, इस पर हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। अगर ऊपर जाना है तो भाई कैसे जाएगा जरा ये समझते हैं, नीचे जाना है तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये भी समझ लेते हैं ना। तो देखो मैं पहले आपको यहाँ पे एक बार वीकली चार्ट दिखाता हूँ, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि हम 17,800 तक जा सकते हैं और वो लेवल था कौन सा, ये जो आपका 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो भैया यहाँ तक आने के बाद 20 पीरियड आने के बाद नॉर्मली कैसा होता है, आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है। देखिए आया और यहाँ से फिर आपको एक रिवर्सल देखने को मिला, पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ से आके आपको फिर एक रिवर्सल देखने को मिले, यानी कि इस हफ्ते प्राइस ऊपर जा सकता है ना। और अगर मान लो प्राइस ऊपर नहीं गया तो 20 ने अगर सपोर्ट नहीं दिया फिर आप धीरे 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 लोअर बॉलिंग बैंड की तरफ भी आ सकते हो,
धीरे 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 लोअर बॉलिंग जो बैंड की तरफ भी आप, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन रहती हैं आपके लिए। तो अब जरा आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, देखिए लेट्स सी आरएसआई देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का आरएसआई जो है वीकली पे 52 का है, 52 का है। डेली पे आरएसआई क्या है? डेली पे आरएसआई भैया 32 का है। और अगर मैं आपको आवरली पे लेके चलूं तो भैया आवरली में आप ओवरसोल्ड हो। क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझो, आवरली में आप ओवरसोल्ड हैं। तो एक जो हम सोच रहे थे ना कि अभी हम 20 पीरियड पे बैठे हैं वीकली के, तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए कोई तो पॉसिबिलिटी है? देखिए बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, आप आवरली चार्ट में जो है ओवरसोल्ड है, और यहाँ पे एक आपका स्पिनिंग टॉप का पैटर्न बना हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से प्राइस इसी को अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो प्राइस ऊपर जा सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं। चल ये बात हमने देख ली। और अगर मान लो प्राइस को गिरना है, प्राइस गिरेगा तो हम यार देखो धीरे 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 यहाँ तक आ सकते हैं, 200 DMA को भी टच कर सकते हैं है ना। अगर प्राइस गिरता है तो 200 DMA को भी टच कर सकते हैं इस हफ्ते। तो दोनों चीजें पॉसिबिलिटीज हैं, देखेंगे। और जैसा भी मैंने आपको बताया, चाहे ऊपर की तरफ निकले या नीचे की तरफ निकले, कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। हम उसके अगले हफ्ते पे फोकस करें। फर्क मुझे पड़ेगा कब? जब ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर जाके क्लोज कर दे। अगर मान लो इसने ऊपर चलना स्टार्ट किया और अपर बॉलिंजर बैंड को तोड़ दिया, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन इस बीच में कुछ भी होता है मेरे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। इतना तो मेरे को लगता नहीं कुछ होगा इस हफ्ते, क्योंकि इस हफ्ते नॉर्मली सब छुट्टी सन्नाटा रहेगा मार्केट में, सब छुट्टी मूड में रहते हैं, तो ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आप भी ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, स्टॉक स्पेसिफिक रहें। स्टॉक स्पेसिफिक आपको बहुत ज्यादा अच्छे मूवमेंट्स मिल सकते हैं। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने बहुत मुझे मैसेज किए, पता किया, कॉल्स किए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मैं पब्लिकली आपको बता दूं कि भाई देखो मेरी तबीयत काफ़ी सुधर रही है, एंड होपफुली मैं वापस फेस कैम के थ्रू आप लोग से वापस बातचीत कर पाऊंगा। इट हैज़ बीन अराउंड 1.5 मंथ मैं आप लोग से फेस कैम, मतलब कोई भी आपसे फेस कैम के थ्रू वीडियो नहीं बने, सब ऐसे ही वीडियो बन रहे हैं। तो हम होपफुली मैं कर पाऊंगा, और जैसे ही आप लोगों ने मुझसे कहा ऑफर के लिए न्यू ईयर ऑफर का, तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं उसको लॉन्च नहीं कर पाया हूँ, बट यस अगर मैं ठीक ठाक रहा तो शायद एक या 2 दिन में आप लॉन्च कर पाऊँ। राइट, तो दैट्स इट फॉर टुडे, फिर आप लोग से मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, गंवाते रहिए।